सपोज करो एक पेंडुलम है, सपोज एक पेंडुलम है और पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है, और अगर आप पेंडुलम को राइट पे लेके जाओगे तो ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम, और ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि पेंडुलम मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि अब स्टैंडर्ड पेंडुलम की जो मोशन है वो राइट की तरफ लेके जाओगे, फिर लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे, फिर लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे, फिर राइट की तरफ लेके जाओगे। मीन्स ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा और वापस सब में आ जाएगा। ठीक, सर्कुलर मोशन में कंपेयर करना हो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे सर्कुलर मोशन में, आप ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा और वापस। अब आपको इसमें करना क्या है, इसके अंदर जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा चिप अपनी मीन पोजीशन से चले सर्कुलर मोशन में, वो यहाँ से चले चले, और हमने डिस्कस किया था कि जब ये मोशन ऊपर जा रही है तो हम कौन से डिस्प्लेसमेंट लेंगे, हम वाई की डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। वाई इज इक्वल टू, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में बता दिया था शायद, बताया था ना, तो ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इसका एम्पलीट्यूड है या इसकी डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो अब अगर सपोज कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है और घूम के वापस आ रहा है, हम वाई डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, पहले इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मिनिमम हो रही है और फिर वापस हो रही है। ठीक, तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आ जाओ, जब आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट होगा यहां से, तो इट मीन आप कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हो, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्लियर है। सपोज करो आपका जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में आ जाओ, नॉर्मली यहां से स्टार्ट होता है जैसे मैंने कहा, पर सपोज कोई अपना मोशन यहां से नहीं स्टार्ट करता, अपना मोशन कोई यहां से स्टार्ट करता है, अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है और मान लो यहां से यहां जा रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड एंगल तो आप क्या लोगे, ओमेगा टी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से नहीं स्टार्ट हुआ, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम फाई, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली फाई से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, मान लो ये एम्पलीट्यूड ए है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ क्या, ओमेगा टी प्लस फाइ इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय ए, वाई बाय ए, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन ऑफ क्या, ओमेगा टी प्लस फाइ। ठीक, तो इसका मतलब जिन इक्वेशन में फाइ यूज हो रहा है, फाइ आपने बहुत सारी इक्वेशन देखी होंगी जिसमें ओमेगा टी प्लस फाइ, इसका मतलब है कि वो मोशन अपनी सही जगह से स्टार्ट नहीं हुई, वो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुई, वो कहां से स्टार्ट हो रही है, थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम इसको फाइ को नाम देते हैं, कौन सा फेस है ये मेरा, इनिशियल फेस है, फाइ इज दी इनिशियल फेस। पॉइंट्स को क्लियर है, तो इनिशियल फेस का मतलब कि पार्टिकल जिन भी मोशन में इनिशियल फेस होते हैं, पार्टिकल या जो भी आपकी जो बॉडी है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होती, वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मान लो पार्टिकल की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्लस पाई बाय टू, क्योंकि वो पाई बाय टू आगे से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। याद क्लियर है, तो फिर ठीक है, ये देखो पेंडुलम के केस में मैं यही तो करने वाला हूँ कि अगर मेरा पेंडुलम यहाँ पर है और मीन पोजीशन से यहाँ जा रहा है, यानी कि अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू क्या, a साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर पेंडुलम मान लो यहाँ पर आ जाता है एक्सट्रीम, और मान लो अब पेंडुलम यहाँ से ना स्टार्ट होते हुए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अब यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब सर्कल के कहाँ से स्टार्ट होना, टॉप से स्टार्ट होना, तो y इज इक्वल टू ए साइन क्या लेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो मीन से एक्सट्रीम पे जाने में अपना पाई बाय टू फेज तो इंक्रीज, पाई बाय टू आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। चलो, अगर पार्टिकल यहां से ना स्टार्ट हो, मान लो पार्टिकल वापस घूम के यहां पर आ गया, मीन पे आ गया, अभी खत्म नहीं हुई जर्नी, अभी इसको वहां जाना है, यहां जाना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू क्या, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। देखो, अगर कोई यहां से चला था पहले, यहां पे गया था फिर यहां पे आया, तो सर्कुलर मोशन में वो पहले यहां से चलेगा, यहां पे होने का मतलब यहां पे होना, यहां जाने का मतलब यहां पे आना,
फिर वापस आने का मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना यादव, कंपेयर कर रहे हो सर्कुलर से, ठीक। यानी कि अगर पार्टिकल वापस जा रहा है तो यहाँ पर है और वो कितना फेस कवर कर चुका है, पाई, तो ओमेगा टी प्लस पाई। ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेट का मतलब फेस चेंज ऑफ पाई बाई टू, अगर इधर जा रहा है तो पाई बाई टू, वापस आ रहा है पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यानी कि पाई, ठीक है यादव। तो ये इक्वेशन हो गई, और जब पेंडुलम यहां से यहां आने की कोशिश करेगा तो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू इसलिए क्योंकि पाई बाई, देखो जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहीं से चलेगा, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, तो कितने हो गए पाई बाई टू, तीन, तो थ्री पाई बाई टू, ठीक है यहां तक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू हम इसे क्या लिखेंगे, a cos ऑफ ओमेगा t, इसको क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या माइनस a sin ओमेगा t, और इसको क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस a cos ऑफ ओमेगा। समझ आ रहे हैं यहां तक, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है वो क्या करेंगी, अपना अपना तरीके सॉल्व करने का। पेंडुलम को मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करने को कह दिया फिर तो हर बुक y इक्वल टू a sin ओमेगा t से ही स्टार्ट करेगी, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन में वो कहेगा कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो कई बुक्स तो ऐसे लेके करेंगी, अगर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन तो कई बुक्स में लिखा होगा ये इक्वेशन, कई बुक्स में लिखी होगी ये इक्वेशन, या पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एक्सट्रीम पोजीशन तो कई बुक्स में लिखी होगी ये इक्वेशन और कई बुक्स में ये इक्वेशन। अब जिनको SHM नहीं आता उनके 90% क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते, तो पहले स्टेप में अटक जाते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि कोई बुक वाला पेंडुलम के लिए ही कभी ये इक्वेशन यूज करता है, उसी पेंडुलम के लिए कभी ये इक्वेशन यूज कर रहा है, कभी वो कर रहा है और कभी ये कर रहा है। तो अब समझ आ रहा है कि बेसिकली इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, चेंज। और कभी कभी आपके ये चार पोजिशन पे पेंडुलम स्टार्ट नहीं होता, कहीं बीच में हो जाता है, मान लो पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ तो उस केस में आपको वो एंगल क्या लेना पड़ता है, फाइव, आपको मालूम ही नहीं जब, तो आप क्या लेके चलोगे, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इक्वेशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉर्मली जो सबसे कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो ये होते हैं जब दो पेंडुलम मूव करते हैं इकट्ठे, और वो इकट्ठे कब मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो सबसे मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है, और जब उनमें ये नहीं पता होता कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी ऊपर से क्या है, आपको ये नहीं मालूम कि वो कहां से चले थे, बस ये बताओ कि वो मीट कहां पे कर रहे हैं, आज हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। यहां तक तो क्लियर है जो मैंने बताया, बेसिक्स तो यही थे आपके SHM के। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वेलोसिटी कर ली, एक्सेलेरेशन कर लिया हमने, डायग्राम से भी देख लिया, टाइम पीरियड कर लिया, स्प्रिंग का केस है। स्प्रिंग के केस में बस आपको एक चीज याद रखनी है, प्रूफ्स आपको नहीं करने। मैं आपको वैसे एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कोई बॉडी SHM में होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, या तो स्टैंडर्ड SHM के ऊपर क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्ड SHM किसे बोलते हैं, जो प्लस वन में आपने करके देखा हुआ है कि क्या ये बॉडी सच में SHM में, जैसे स्प्रिंग है और मास है, आपने मास को नीचे खींच दिया और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि वो SHM में है। कैसे बोलते हैं, हमें मालूम है, हम क्यों मालूम है, क्योंकि हम प्लस वन में इसके प्रूफ कर चुके हैं, जो शायद आपको अभी नहीं आते होंगे, भूल गए होगा, बट कोई बात नहीं, आपको करना भी नहीं है, बट इतना समझ लो चाहे कोई भी SHM है उसमें एक फोर्स का होना जरूरी है, तभी वो SHM है, और वो है रिस्टोरिंग। कोई भी SHM को प्रूव करना हो कि SHM है, सबसे पहले ढूंढी जाती है रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होती है, किक्स। हम फोर्स से निकालते हैं एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और किसी तरीके से हम प्रूव करते हैं कि एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ इस तरीके से, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये आपस में प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, तो ये वाली जो टर्म होगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, और प्रूव करते करते स्प्रिंग के केस में मैंने प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय m इनटू y, मान लो, ठीक है। तो उस केस में ऑब्वियसली ये टर्म को क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर आ गया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा होता क्या, टू पाई बाई टी, टाइम पीरियड आ गया, और टाइम पीरियड की वैल्यू बता दूं, एक
स्प्रिंग और अगर मास है तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 बाय अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k. तो यानी कि इक्वेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स. फिर जैसे सपोज करो जो नेक्स्ट टाइप है, एक सिंपल पेंडुलम है, ये बुकलेट में लिखा हुआ है सारा कुछ, बुकलेट की थ्योरी, ये पूरी स्लाइड थ्योरी की आपकी बुकलेट की, लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसमें क्या है कि जैसे नेक्स्ट केस है जिसको आप क्या बोलते हो, ये जो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में देख लेते हैं स्टोरिंग फोर्स कौन सी है. अगर आप सिंपल पेंडुलम को दूर ले गए तो उसका कौन उसको नीचे लेके आ रहा है, mg sin थीटा, उसका एक वेट का कंपोनेंट नीचे लेके आ रहा है. तो कौन इसमें एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, mg sin थीटा. mg sin थीटा अगर रिस्टोरिंग फोर्स है, mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है, साइन नेगेटिव इसलिए आएगा बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव साइन लगते आगे, एंगल छोटा है, ये वैल्यू आ गई, फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन आ गई. यहाँ से कुछ हमने एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस करके हमने किसी तरीके से प्रूव कर लिया कि एक्सेलरेशन इज माइनस जी एल इनटू वाई. और अगर ऐसा है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ बाय इक्वेशन ऑफ एसएचएफ. तो ये क्या आ गया, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया. सॉल्व करोगे टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट ऑफ. मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि मैं आपको प्रूफ करवाना चाहता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ना तो सिंपल पेंडुलम का प्रूफ आपको चाहिए होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना स्प्रिंग का क्वेश्चन आएगा, ना यूट्यूब का आएगा कि यूट्यूब में वाटर है धक्का मारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि ये तो प्लस वन की डेरिवेशन है, ये थोड़ा आएंगी. हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपको जो क्वेश्चन आ गया वो एक ऐसी फिगर पे आ गया जो स्टैंडर्ड एसएचएम नहीं है, जो हमने पढ़ी नहीं हुई, पर हमें हाँ पता लग रहा है कि वो टाइम पीरियड पूछ रहा है इसका, और अगर वो टाइम पीरियड पूछ रहा है तो मोशन विल बी इन एसएचएम. तो फिर अगर उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो मेरे को क्या ढूंढनी पड़ेगी उसकी रिस्टोरिंग, यानी कि अगर हमने कोई प्रूफ नहीं भी किया हुआ, हमें कोई फॉर्मूला नहीं भी आता, उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं फाइंड द टाइम पीरियड, जिसमें आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है. तो इसलिए इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपको रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पता लग जाए, समझो उसके बाद आपने यही स्टेप्स कर लिया, ठीक है ना. तो इन जनरल अप्रोच है ये, हाउ टू फाइंड अ टाइम पीरियड एंड हाउ टू प्रूव अ मोशन इज इन. तो नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकेंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टोटल टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है, जाने का 1 सेकेंड, आने का 1 सेकेंड, तो टोटल पिकअप 2 सेकेंड. एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम है मोशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब, यूट्यूब में पानी है, आप एक तरफ से धक्का मार दो तो पानी ऊपर चढ़ा गया, चल गया. तो इसमें क्या किया आपने जब इसको छोड़ा, तो ये देखो अगर इसे मैं हटा दूं पानी इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस कर गया ना. लेकिन अगर ये है छोड़ दो इसे, तो ये वेट लगाएगा इस तरफ और ये लिक्विड आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना, यहाँ तक मूव करेगा. तो इस केस में यानी कि ये जो वेट है लिक्विड का, अगर आप वो कैलकुलेट कर लो, वही एक्ट करेगी रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है पूरे लिक्विड, ठीक है यहाँ तक. तो यहाँ से अगर मैं इसका वेट निकाल लूँ, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, वहां से एक्सीलरेशन आ जाएगी, वहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. वैसे बता देता हूँ कि अगर ये लिक्विड है पहले इक्विलिब्रियम में था, एच हाइट पे इक्विलिब्रियम में था, हर ट्यूब में जो लेफ्ट और राइट में हाइट की वैल्यू एच है, तो इसका टाइम पीरियड जो सॉल्व करने पे आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी आ जाएगा, मतलब इसमें लिखा होगा शायद टाइम पीरियड विल बी कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या आएगी, एच डिवाइडेड बाई जी आएगी. सो नेक्स्ट है जैसे मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल, अगर हम अर्थ में टनल डिग कर दें तो बॉल नीचे आएगी टूवर्ड सेंटर, क्यों, क्योंकि सेंटर उसको अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर खींचेगा, वेट जो है की वजह से नीचे आ रही है बॉल, नीचे आएगी ड्यू टू मोमेंटम, वो सेंटर को क्रॉस कर जाएगी. अब सेंटर ऊपर रह गया, सेंटर ऊपर खींच लेगा, ऊपर खींचेगा फिर मोमेंटम, फिर ऊपर क्रॉस कर गई, तो सेंटर के आसपास ऊपर नीचे बॉल मूव करती रहेगी. तो इसका टाइम पीरियड की जो वैल्यू है अगर आप सॉल्व करो, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाई जी. हम नेक्स्ट क्लास में एक चीज करेंगे, आज का लेक्चर जो है वो तो बहुत ही बेसिक्स से होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में जो आजकल AI ट्रिपल माई में क्वेश्चंस हैं, उसमें ना डैम्पिंग ऑसिलेशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस. आपके कोर्स में जबकि कौन सी ऑसिलेशन थी, अनडैम्प्ड. आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता कभी भी. देखो ना, आप हमेशा एम्पलीट्यूड क्या लेते हो किसी भी चीज का, ए. आप ये तो नहीं कहते ए के बाद A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, फिर 0. एम्पलीट्यूड कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज. चेंज कब होगा, व्हेन देयर इज सम डैम्पिंग एनर्जी लॉस. तो फिर उस केस में क्या करोगे एम्पलीट्यूड का, यानी कि
कुछ ना कुछ तो एक सीरीज बनने वाली है एम्पलीट्यूड्स की, नॉन मेडिकल में स्पेशली ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आज का लेक्चर है वो अनडैम्प्ड है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो या तो पुराने क्वेश्चन होंगे अनडैम्प्ड के ऊपर और फिर आखिरी लेक्चर होगा डैम्पिंग के ऊपर। ठीक, तो इसमें जो है जो टाइम पीरियड है जो कॉन्स्टेंट है उसी तरीके से एक और चीज़ प्रूव करेंगे और देखेंगे, या भी एक शॉर्टकट याद कर लो, टनल अगर डायमीटर के अलोंग है तो टाइम पीरियड ये आपके सामने, अगर टनल डायमीटर के अलोंग नहीं भी है, कॉर्ड के अलोंग है, ये लो ये टनल है, अब बॉल को रिलीज कर दो, बॉल ऐसे घूमती रहेगी अबाउट इट सेंटर और उसका टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, 2π√r/g। तो बेसिकली क्या है इसमें कि जो टनल है अगर डायमीटर के अलोंग है तो भी आंसर सेम, और अगर कॉर्ड के अलोंग है तो भी आंसर विल रिमेन। क्या हुआ क्वेश्चन है कि अगर कॉर्ड में हम डाल देंगे एक बॉल को तो उसका टाइम पीरियड प्रूफ करो सेम। जिन लोगों ने प्लस वन यहाँ से की थी आपको शायद याद होगा, एंड में जब सिलेबस खत्म हो गया था मैंने कुछ शीट सी थी आपको, उसमें ये प्रूफ है। नहीं है मैं दिखा दूंगा आपको अभी, इसमें भी तो सबको मैं एक बार दे दूंगा, जो नए भी हैं जो पहली बार कर रहे हैं तो वो कैसे प्रूफ करते हैं उसका। ठीक, एक बार ब्रीफ में बताऊंगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग बॉडी, बॉडी फ्लोट कर रही है इक्विलिब्रियम में और उसका कितना पोर्शन पानी के अंदर है, एच। आपने क्या किया, इसको धक्का मार दिया, धक्का मारा तो पानी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, वाटर डिस्प्लेस हो गया। जब वाटर डिस्प्लेस हो गया अब जब छोड़ोगे तो वो वाटर अपनी जगह लेने की कोशिश करेगा और उस चक्कर में वो उस ब्लॉक को ऊपर धक्का मार देगा। तो कौन एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या अब थ्रस्ट, एक ही बात, अब थ्रस्ट और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वन एंड दी सेम थिंग। तो अगर मैं वो निकाल दूं वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा, जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो आएगी टी इज इक्वल टू 2π√h/g। ठीक है आदर, तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड, ज्यादा क्लियर है। सो नेक्स्ट जो है इसमें एनर्जी के ऊपर आ जाओ। देखो और कुछ नहीं है SHM में, ज्यादा जो है मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला वगैरह कुछ है नहीं इसमें करने का। आप प्लस वन में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि वो टीचर पहले उसको एक एक चीज को करके दिखाते हैं SHM में है, फिर आगे चलते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर है, चैप्टर बड़ा नहीं है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है थ्योरी के कंपेयर। तो एनर्जीज के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं, एनर्जीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन तो आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। या तो फेजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं स्पेशली नॉन मेडिकल वालों को, टाइम पीरियड के ऊपर भी आते हैं, स्प्रिंग है टाइम पीरियड निकालो वो देखेंगे, या फिर एनर्जीज के ऊपर क्वेश्चन, तीनों तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट। सो एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, SHM में से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो तो आता नहीं है, तो एक भी दो भी आ सकते हैं, में से ये करते हैं तो ये हो गई और प्रॉपर्टीज में से कितने दो और थर्मो में से दो क्वेश्चन बहुत है, बीच में छह क्वेश्चन आ जाए, यानी कि बहुत फोर्स पड़ा हुआ है, मिनिमम है छह, तो छह का साथ भी हो सकता है SHM तो कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी फंसा देगा वो SHM, चार्ज मूव कर रहे हैं इन SHM तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, कैटेगरी तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की है पर बीच में यूज SHM, काफी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं और पेपर भी आ रहे हैं आपके लिए। तैयारी होगी होगी आपकी, डर नहीं लगता होगा, सारों के स्कूल में वैसे कीबोर्ड इसमें 19 मॉडल के नहीं है, चलो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM में देखो, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जब भी कोई पेंडुलम ऊपर जा रहा है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक डिक्रीज कर रहा है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है, पोटेंशियल स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसको कुछ ऐसे है कि जैसे पेंडुलम अगर मीन पोजीशन पे है या एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। काइनेटिक क्या हो जाती है? जीरो। करके देख लो, मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर वाई की वैल्यू क्या होगी? ए। जब आप ए वाई की जगह ए यहां पुट करोगे, काइनेटिक एनर्जी अपने आप क्या आ गई? जीरो। और पोटेंशियल वाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे? ए। वाई की जगह ए पुट करोगे, पोटेंशियल क्या आएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों एनर्जी को ऐड करोगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? टोटल। टोटल एनर्जी जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए का। ठीक है ना? तो अगर आप वाई इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली टोटल के इक्वल आ गई, वाई की जगह ए पुट करोगे यानी कि मैक्सिमम हो गई। और अगर आप यहां पर वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आप चेक करो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उस केस में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, और पोटेंशियल अपने आप क्या हो रही है? जीरो। इसका मतलब एनर्जी के फॉर्मूले एकदम सही है। ठीक है, याद करो फॉर्मूला को, तीनों फॉर्मूला को। मेरे हिसाब से तो एक लेवल तक कुछ नहीं ऐसे और ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरी में कुछ और ज्यादा करने है, कुछ नहीं करना, सीधा न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चन सॉल्व हो। और एक और टॉपिक पड़ा हुआ है, एक मैंने बताया डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और डैम्प्ड ऑसिलेशन के साथ ही कंटिन्यूएशन में एक मैथमेटिकल टॉपिक है रेजोनेंस, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं रेजोनेंस। थ्योरी में तो सबको पता है रेजोनेंस क्या होती है, पर मैथमेटिकली रेजोनेंस कैसे करते हैं एसएचएम में इसका प्रूफ है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है एसएचए में अंडर अ फोर्स, यहां से साफ पता लग रहा है फोर्स इज माइनस 10 इनटू एक्स, का मतलब वी कैन कंपेयर इट विद माइनस के टाइम्स, तो के मींस स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स है, तो के की वैल्यू कितनी रखें साइड पे? 10। मास की वैल्यू मुझे गिवन है 0.1 kg।
of the particle at mean position given. देखो, सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पर एक चीज एक काम कर सकता हूँ, मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ. स्प्रिंग और मास का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के. मास पता है, के पता है, यहाँ से टी आ जाएगा. टी आ गया तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी. यहाँ से ओमेगा आ गया. एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स स्प्रिंग की फोर्स होती है और किसी की फोर्स नहीं हो सकती. स्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होती है ना? एमए करके करना चाहते हो, ए निकालना चाहते हो तो कर लो. हाँ, कर सकते. एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो आ जाएगी तो भी मान लो सेम थिंग, एक ही बात है. ठीक है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं. और इसे आसान तरीका नहीं है कोई भी. मतलब ये तो चलो सीधा ही के निकाल लिया, एम निकाल लिया, आंसर तो वही आएगा. तो यहां से ओमेगा आ गया. अब मुझे एक चीज बताओ, मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है? मुझे बताओ, वेलोसिटी हमने किया था ओमेगा इनटू क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला किया था. मीन पोजीशन का मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, और जब वाई इज इक्वल टू जीरो तो वी इज इक्वल टू कितना? ओमेगा इनटू ए. ओमेगा आपने निकाल लिया, यहां उठा के पुट कर देना. एम्पलीट्यूड आपको निकालना है और वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है. निकाल लेना एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 0.6. आंसर आ गया. समझ आ रहे हैं यहां तक क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं? ठीक. देखो, जो स्प्रिंग्स हैं, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं स्प्रिंग्स, ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने किया था K1 प्लस K2 वर्क एनर्जी पार में. और अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं स्प्रिंग्स, तो फॉर्मूला याद रखना, 1 बाई के इज 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2. यहां से K कैन बी कैलकुलेट. अब जब ये क्वेश्चन है, इसमें स्प्रिंग्स आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये कॉम्बिनेशन पैरेलल का है, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट 2k. ठीक है ना यहां तक? तो टाइम पीरियड इज 2 बाय अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2k. ठीक है यहां तक? बस यही है इसमें कि स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट 2k. वहां से आंसर आ गया. नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करने है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना. इसमें t इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट ऑफ m बाय k, इसमें t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, इसमें स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 4k, और इसमें स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन अगेन पैरेलल, तो अगेन आंसर विल रिमेन सेम. तो बस सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन है कुछ ऐसे. ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट.
भी करने हैं वैसे प्रॉपर्टी का मैटर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उससे पहले सपोज करो एक स्प्रिंग है और नीचे मास है, तो मुझे मालूम है स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। लेकिन कभी कभी स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग की बजाय एक ऐसा स्ट्रिंग है जो इलास्टिक इन नेचर है, विच इज एक्टिंग लाइक अ स्प्रिंग, एक्टिंग लाइक अ स्प्रिंग, है नहीं स्प्रिंग, ठीक है था? तो ऐसी स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी है, तो इसका यंग्स मॉडुलस है। अगर मैं इसको इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बता दूं आपको क्या होगा, मींस निकाल दूं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो नहीं लेकिन फोर्स कांस्टेंट जो भी होगा इसका इन टर्म्स ऑफ वाई, तो फॉर्मूला आपके सामने के की जगह वैल्यू पुट कर लेना। यंग्स मॉडुलस होता क्या है, फोर्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, ऐसा फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। अभी इसको ऐसे ही देख लो, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसको अच्छे से कर लेंगे, याद है। तो इसमें आपको अब क्या करना है, इसको सही तरह करके लिखो, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, फोर्स और डेल्टा एल, फोर्स अपॉन एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ बाय एक्स या एफ बाय डेल्टा एल स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यानी कि एफ अपॉन डेल्टा एल एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और एफ अपॉन डेल्टा एल को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो आपने के निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, उसको उठा के यहां पुट कर दो, तो आपके पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व करने पे आएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय वाई ए डिवाइडेड बाय एल, ये आंसर। देखो जब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर गिवन बाय दिस इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल्स सेम, जब हम बोलते हैं एनर्जी तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक या टोटल, टोटल जब पोटेंशियल बोला ही नहीं तो पोटेंशियल क्यों लेंगे, फिर तो टोटल ही लेंगे। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, एनर्जी को सेम करें तो लेफ्ट केस में, इस केस में एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम ओमेगा, ये क्या है ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू यहां पर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू एम इनटू ओमेगा की वैल्यू यहां पर मुझे मालूम नहीं, लेट इट बी ओमेगा जो कि मुझे निकालना है इनटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका कितना है 5, निकाल देना ओमेगा कितना आ रहा है, थीटा रहे,
क्वेश्चन देखो, सबसे पहली चीज एक किस्म, आपकी बुक्स में शॉर्टकट बहुत लिखे होते हैं, तो उसमें एक पीरियोडिक मोशन का शॉर्टकट बहुत ज्यादा इसमें होता है कि जैसे सपोज करो आपकी एक SHM है, y इज इक्वल टू लेट से 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 4 साइन ऑफ ओमेगा टी। प्रॉब्लम ये है कि मेरी SHM सिर्फ एक साइन में चलती है, या फिर एक साइन ले लेगा, एक कॉस ले लेगा, एक साइन ले लेगा, दूसरा साइन ले लेगा, एक कॉस ले लेगा, दूसरा भी कॉस ले लेगा, मींस दो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पर हमें क्या करना होता है, इसको एक साइन में कन्वर्ट करो या एक कॉस में कन्वर्ट, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या इसका एम्पलीट्यूड 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा? क्या हो गया? 7 हो गया। मैंने जान के क्वेश्चन 3 और 4 का पूछा था ताकि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअल में आपको क्या करना है, देखो एक्चुअल में कुछ अगर समझ ना आए या अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज को याद रखना है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आपको ऑलरेडी आता है, A1 square, A2 square, 2 A1 A2 cos phi, के फेज नहीं है phi, ये आपका एक एंगल का डिफरेंस है दो पीरियोडिक फंक्शन में। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 3 cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना? हाँ, मुझे मालूम है इसका आंसर कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 आएगा। एक्चुअल में आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली काम करना है, इसकी जगह 4 का स्क्वायर, इसकी जगह 5 का स्क्वायर। तो एक आपने 4 का स्क्वायर लिया, एक आपने 3 का स्क्वायर लिया, प्लस 2 × 4 × 3 × cos ऑफ। अब देखो ये एंगल कहां से आ रहा है, एक चीज ध्यान से देखना, ये चल रहा है साइन ऑफ सम एंगल, ये चल रहा है कॉस ऑफ सम एंगल, और अगर आप इनमें फेज डिफरेंस देखो साइन और कॉस में, तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, आंसर आ गया 4 square plus 3 square। बात समझ में आ रही है? आपको कंफ्यूज पता है कैसे करेगा, आपको इतना सिंपल क्वेश्चन देगा नहीं, 4 साइन ऑफ ओमेगा टी कर लेगा, 3 कॉस ऑफ लेट से ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 करके देगा। अब कहेगा अब निकालो एम्पलीट्यूड। अब ध्यान से आपको क्या करना है, इनमें ऑलरेडी जो एंगल का डिफरेंस है, चलो ठीक है मैं इसको थोड़ा आसान बनाता हूं, लेट से ये कॉस की जगह ना 3 साइन ही कर लो। अब देखो अब तो नहीं हो रहा ना, ऐड नहीं हो रहा ना, तो इनमें आपको क्या लेना पड़ेगा, फेज डिफरेंस। इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करके देखो क्या आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, पाई बाय। तो यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान से करना क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज कर देगा, फटाफट 4 और 3 देके आंसर 5 पुट करवाने की कोशिश करेगा, ऑप्शन में 5 होगा जरूर, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट के फंक्शन में जो एंगल का डिफरेंस है वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है, ठीक है ना यहां तक? और एक और चीज, जब फेज डिफरेंस निकालते हैं जैसे साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 20 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना है 40, ठीक है ना? साइन में से साइन का एंगल माइनस किया जा सकता है, कॉस में से कॉस का माइनस किया जा सकता है, लेकिन साइन में से कॉस का माइनस नहीं हो सकता। या तो दोनों को पहले साइन साइन में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को कॉस कॉस में कन्वर्ट करो, ऐसे मत करो, ठीक है? आता नेक्स्ट,
energy of SHM with amplitude A will be equal, so obviously potential ka formula half, potential ka formula lagalo half into m into omega square into y square, aur kinetic ka half m omega square into a square minus y square. Yahan se y nikal lena, a divided by 2 aa jayega. Theek hai sir, to ye value aa gayi aapke paas. नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बताना, ठीक है? ग्रेटेस्ट एक्सेलेरेशन तब होगी जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी एम्पलीट्यूड ए, ठीक है ना? तो वाई जब ए के इक्वल है तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड लगा लो, डायरेक्शन को छोड़ दो एक मिनट, तो ये आपके पास कौन सी एक्सेलेरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है, और आपको ग्रेटेस्ट एक्सेलेरेशन गिवन है कितनी, 5, ये इक्वेशन नंबर 1, फिर आपको एक और वेलोसिटी गिवन है, तो अब वेलोसिटी कितनी गिवन है,
3 पाई, जब डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लो ना, ओमेगा इनटू क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेलोसिटी गिवन है आपको 3 पाई, ओमेगा को ओमेगा रहने दो, एम्पलीट्यूड को ए रहने दो और 4 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो ना 1 और 2 को, बिकॉज इसमें दो वेरिएबल्स हैं ओमेगा एंड ए, ओमेगा एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। समझ आ रहा है यहां तक? तो एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लिया और दूसरा वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट वाई। सबसे पहली चीज, इसमें एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है और ये मास है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और इसका मुझे मालूम नहीं, इसका तो यंग मॉडुलस मुझे मालूम है, और अगर यंग मॉडुलस मालूम है तो आई कैन कैलकुलेट के डैश, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट वाई ए बाय एल, एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा आपको, के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, तो के वन की जगह के पुट कर दो, के टू की जगह ये पुट कर दो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। उसके बाद t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, m डिवाइडेड बाय k s, पुट करते हैं आंसर आ गया। मेथड क्लियर है, k तो गिवन ही है, स्ट्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, फिर सीरीज में सीरीज का फॉर्मूला लगाया, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देना। ठीक, ठीक है आदर। नेक्स्ट
एसएचएम में इस लाइन के अलोंग मूव कर रही है, आगे पीछे आगे पीछे. नेक्स्ट, इफ पीरियड इज टी, टाइम पीरियड टी है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम एन टू पी, तो आपको टाइम निकालना है कितना टाइम लगेगा एन से पी तक जाने में. एन और पी इक्विडिस्टेंट है, अगर मैं सिर्फ ये टाइम निकाल दूं उसको टू से मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल टाइम आ जाएगा एन और पी का. अब मुझे ये क्या पी मिड पॉइंट है ओवर क्यू का, नहीं ये मुझे मालूम नहीं है. जो पी और एन पॉइंट है वो मिड पॉइंट थोड़ी ना है. हाँ एक चीज मालूम है कि एन और पी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है इज वन हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू. पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम एनर्जी. पीक तो यही, पीक का मतलब क्या होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होता है टोटल एनर्जी. तो पी और एन पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी. तो पहले यही कुछ करके देखते हैं कि एन एंड पी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल का मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. टोटल का यही फॉर्मूला है ना. तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करो. वाई कितना आ रहा है, ए बाई रूट टू के बाई टू रूट रूट थ्री बाई टू आ रहा है. ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है ना. इसका सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है कितना, ए बाई रूट टू आ रहा है, ए बाई रूट टू. ठीक है, तो इसका मतलब कि n और p पॉइंट यानी कि p पॉइंट कितनी दूर है, a बाय रूट टू डिस्टेंस दूर है फ्रॉम o. पोजीशन पता लग गई आपको, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना. तो आपने एनर्जी को इक्वेट कर लिया और y की वैल्यू सॉल्व कर ली, तो आपके पास ये m है, m n o p एंड q. आपके पास ये पता लग गया कि ये वैल्यू a बाय रूट टू है. अब ये मीन पोजीशन है. अगर एसएचएम में पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है. अभी हमने सीखा था मीन पोजीशन टू वर्ड राइट, ये फॉर्मूला वाई की जगह ए बाय रूट टू ए साइन ओमेगा टी, ए से ए कैंसिल, साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय रूट टू. और मैथ्स में वन बाय रूट टू का मतलब क्या होता है पाई बाय फोर, ओमेगा का मतलब टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय फोर. कैपिटल टी कितना आ गया पाई बाय एट, और स्मॉल टी कितना आ गया पाई बाय एट. सॉल्व करोगे स्मॉल टी आ गया, यानी कि ए बाय रूट टू डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा कैपिटल टी बाय एट. ये चीज समझ आ रही है. तो अगर इसका टाइम टी बाय एट है तो ऑब्वियसली इसका टाइम भी टी बाय एट है, तो टोटल टाइम क्या हो गया टी बाय एट प्लस टी बाय फोर. नहीं आता, पहले आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली, पहले एग्जैक्ट पॉइंट निकाला इसका टाइम निकालना है, और फिर इक्वेशन की हेल्प से इसका टाइम निकालना. आंसर दो फिर. अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल टी है मान लो जाने आने का, तो बताओ जब पेंडुलम इसके मिड पॉइंट पे होगा यहां से यहां तो उसे कितना टाइम लगेगा. मिड पॉइंट मींस कि अगर ये टोटल एम्पलीट्यूड ए है, ये ए है, तो आपको ए बाई टू पे जाना है. अच्छा क्वेश्चन को ऐसे ऐसे पूछता हूं, सपोज ऐसे बताओ मुझे क्वेश्चन, पेंडुलम यहां से चला फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल टाइम कितना लगा कैपिटल टी. ये तो क्लियर है. तो बताओ फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का टाइम क्या लगेगा? टी बाई टू, आधा टाइम लगेगा। तो आंसर क्या आएगा, जाने और आने का टी बाई टू। फिर बताओ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में टाइम कितना लगा? टी बाई फोर, हाफ डिस्टेंस हो गया। तो आंसर क्या आ गया, टी बाई फोर। तो बताओ इसका भी वन फोर्थ सॉरी हाफ किया तो टाइम कितना लगेगा? टी बाई स्टोरी यहां तक तो ठीक है, क्वाड्रेंट तक टी बाई फोर तक ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट के अंदर जाओगे फिर ऐसे डिवाइड मत करना, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे? आपका पेंडुलम मान लो यहां से यहां जाना चाहता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, ए बाई टू। जब पेंडुलम लेफ्ट से राइट जाता है इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई की जगह ए बाई टू ए साइन ओमेगा टी कैंसल, तो साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। हाफ कब होता है, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, ओमेगा क्या होता है टू पाई बाय टी इंटू टी इज पाई बाय सिक्स, तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी बाय, ठीक है ये आंसर है, ठीक है यहां तक। और क्वेश्चन आना क्वाड्रेंट के अंदर ही है, ऐसे कौन पूछेगा आपसे टी बाय फोर, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू खुद जो है आपको देगा, वो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो फिर उसका टाइम भी निकालो, जैसे पिछला क्वेश्चन था आपने खुद एनर्जी से पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल ली फिर उसका टाइम भी निकालो, ठीक है यहां तक। टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एस एच एम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग पैरेलल लाइंस
they pass each other moving in opposite direction each time their displacement is half their amplitude. शुरू कहां से हुए? मीन पोजीशन से? पता नहीं कहां से शुरू हुए, पर इतना पता है कि ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, और इतना पता है कि दे आर पासिंग ईच अदर, और कहां पास कर रहे हैं? जहां पर उनका एम्पलीट्यूड हाफ है, कुछ यहां पे एम्पलीट्यूड का मतलब ये पूरी लाइन है और हाफ का मतलब ए बाई टू। ठीक, अब स्टार्ट कहां से हुए थे मेरे को नहीं मालूम। जब मेरे को मालूम नहीं तो मैं इसकी इक्वेशन अगर बनाऊं तो फाइव की फॉर्म में बना सकता हूँ, y is equal to a sin omega t plus phi। omega t कैसे बनाऊं, मैं कैसे मान लूं कि ओरिजिन से स्टार्ट हुए? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी इक्वेशन लेता हूँ a sin omega t plus phi, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, ले लिया। अब x is equal to a by 2 पे, अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो कहां पर है? एट x is equal to a by 2, ये लो, और हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, तो मैंने टाइम की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दी? जीरो। बट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, मान लो पहले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, बट एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो x की वैल्यू a by 2 है, और मैंने यहां से phi निकाल लिया सॉल्व करने पे, और phi की वैल्यू कितनी आ गई? pi by 6 एंड 5 pi by 6, मेडिकल में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जिसमें एंगल डबल यूज हो जाते हैं उसमें अवॉइड करते हैं, बट मान लो मैथ्स में दो एंगल्स ऐसे हैं जिस पे ये दोनों वैल्यूज जो है सेटिस्फाई करती है। अब एक चीज देखो, अगर मैं, मेरे पास दो एंगल आ गए, मैं इन एंगल्स को यहां अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो किसकी वैल्यू आएगी? वेलोसिटी की। अगर मैं यहां एंगल पुट करूं टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, एक बार ये एक बार ये, तो आप चेक करना एक वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है और एक वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि एक एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा मीन से एक्सट्रीम। वो तो हमें वैसे भी मालूम ही है कि वो एक दूसरे को तभी पास करेंगे जब दे आर मूविंग इन ऑपोजिट, पर ये प्रूफ हो गया इसका कि हाँ ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा है कि इन दो एंगल्स पे आपकी एक वेलोसिटी पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है, तो कम से कम आपको ये पता है कि आपको दोनों एंगल्स ही कंसीडर करने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों इकट्ठे स्टार्ट हुए थे। इकट्ठे कैसे स्टार्ट हुए थे? अगर इकट्ठे स्टार्ट हुए थे, एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा सेम है, तो हमेशा इकट्ठे मूव करेंगे, यानी कि इकट्ठे मूव नहीं कर रहे तो कहां से मूव कर रहे हैं? एक मूव कर रहे जब फाई की वैल्यू कितनी है? फाइव बाय सिक्स, और दूसरा मूव कर रहा है जब फाई की वैल्यू कितनी है? फाइव। मतलब मैंने उनका इनिशियल फेज बता दिया, इनिशियली उनका जो फेज होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है तक? या ऐसे कह लो कि इनिशियली, अगर नहीं बोलना तो ऐसे बोलो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, ऐसे बेटर रहेगा, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे उनका फेज पता लग गया, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमने टाइम की वैल्यू क्या पुट की है? जीरो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं वहीं से टाइम t इज इक्वल टू जीरो लूंगा, तो मेरे को ये पता लग गया कि इनके बीच में टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे फेज की वैल्यू कितनी है? एक पाई बाय सिक्स है तो दूसरी फाइव पाई बाय सिक्स है, तो इनमें फेज डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों को आपस में क्या कर देना आपने? माइनस। जब आप माइनस करोगे आंसर कितना आ रहा है? कितना? टू पाई बाय थ्री। तो आपने क्या किया, इनके फेजेस निकाले, तब जब आपका क्वेश्चन a by 2 पे, t is equal to 0 पे, और आपको क्वेश्चन में कहा गया इसका फेज डिफरेंस निकालो, तो आपने इसका फेज डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, पहले इन जनरल x लिखा, एट टाइम t 0 पे x equal to a by 2 पुट किया, एंगल आया और एंगल को क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट। घूमते रहे तो नेक्स्ट टाइम वो कब मीट करेंगे? टाइम बताओ, नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन करो, ये देखना,
ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले या तो इसको साइन में करो या फिर इसको कॉस में। वैसे प्रेफर करो कि साइन में ही रहे, क्योंकि साइन का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इसको अपना मैथ्स लगाना, मैथ्स लगा के इसको सही करो। वैसे मैं इसका एम्पलीट्यूड जरूर बता सकता हूँ, ये रूट थ्री है ये वन है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है ना? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा टू। ठीक, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें इसको सही तरीके से कन्वर्ट करो मैथ्स लगा के, तो टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री आएगा। वैसे शॉर्टकट भी होता है अगर आपने करना है कि ऐसे रूट थ्री बाय वन कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर लो तो एंगल आ जाता है टेन का। ठीक, तो इसमें फाइव की जो वैल्यू है वो नहीं, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते हैं कि उसको कैसे हाउ टू कन्वर्ट जो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी जो फॉर्मूला लगा के आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, आपको नहीं आएगा, मतलब इतने क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आते आपके मेडिकल जितने स्टूडेंट्स हैं, वो ना घबराएं, उनको एसएचएम एक नॉर्मल लेवल पे आएगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, एनर्जी के ऊपर, बहुत सिंपल, पुराना पेपर उठाओगे पता लग जाएगा। तो मान लो आपने इसको कर लिया कन्वर्ट और ये वैल्यू कर ली। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई पार्टिकल इस एसएचएम में मूव कर रहा है, तो टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री। सपोज ये मेरा हाथ एक प्लैंक है और ये एक बॉडी है, ये एसएचएम में मूव कर रही है ऊपर और नीचे वर्टिकल मोशन में। आपको बताना है कि कितना ओमेगा रखूं, ओमेगा मींस इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी कितनी रखूं, तेज तेज या स्लो स्लो, सच दैट ये बॉडी अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दे। ठीक, अब एक तरीका, अब बहुत तेज इसको मूव करवा दो, कॉन्टैक्ट अपना छूट जाएगा, लेकिन आपको बहुत तेज नहीं करवाना, आपको मिनिमम ओमेगा बताना है, कम से कम कितना ओमेगा हो जब ये पेन इस कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। जब ये मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, पेन अपना कॉन्टैक्ट कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हाथ ऊपर जा रहा है, पेन तो नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट कब छोड़ेगा, जब मेरा हाथ नीचे आएगा। ठीक है यहां तक? और एक्सेलरेशन के बारे में हमने स्टडी किया, जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होती है, जब वाई की वैल्यू ए यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए, तो मेन पोजीशन पे वाई इज इक्वल टू जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है ना यहां तक? तो इसका मतलब कि जैसे मेरा हाथ नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, नीचे नीचे एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो जब ये ऊपर नहीं गिरा तो नीचे आके क्या गिरेगा, जब एक्सेलरेशन जीरो वास्तव में आ रही है, तो ये कहां गिरेगा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट ही गिरेगा। अगर से गिरना होगा तो जैसे ही मेरा हाथ नीचे गिरेगा चलेगा, उसी टाइम ये अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। यहां तक क्लियर है? नहीं, एक्सेलरेशन यहां पर तो होगी नहीं, यहां पर मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन कम 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 और कम। ठीक, नीचे की तरफ, ऊपर जाते हुए इसने गिरना नहीं, नीचे जाते हुए गिरेगा, नीचे जाते हुए कहां गिरेगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। मान लो, चलो ऐसे कर लो, जब प्लैंक की एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो ब्लॉक जो है, क्योंकि प्लैंक तो जो है एकदम नीचे आ जाएगा, लेकिन मास तो इसके चिपका थोड़ा ना हुआ है, मास तो वहीं रह गया, तो यानी कि कहां गिरेगा है, टॉप मोस्ट पॉइंट। और जैसे ही अगर इसने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, चाहे इतने से टाइम के लिए, तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा। फ्री फॉल का मतलब कॉन्टैक्ट छोड़ दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यानी कि अगर ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि प्लैंक जो है, ये प्लैंक है, ये जो ब्लॉक है, ये किसमें आ गया, फ्री फॉल में आ गया, यहां से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? समझ आया ओमेगा की वैल्यू कैसे निकली इसमें? ओमेगा की वैल्यू ऐसे निकली कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है प्लैंक की मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि वही प्लैंक की एक्सेलरेशन ब्लॉक की एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन अगर फ्री फॉल में कन्वर्ट कर दें तो ये अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दे। याद है, क्लियर है? अब अगला पार्ट है इसका, ऐसा कब होगा, टाइम बताओ, पहली बार ऐसा कब हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा हाथ तीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और अगर मेरा हाथ एक्सट्रीम पे चला गया, तो फेज डिफरेंस कितना कवर हो गया, पाई बाय टू, एक क्वाड्रेंट पूरा हो गया, तो फेज डिफरेंस आया कितना है हमारे पास, फेज डिफरेंस की वैल्यू आई हुई है ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री। अगर ये पाई बाय टू हो गया, देखो ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री पाई बाय टू हो गया, इसका मतलब एक क्वाड्रेंट पूरा हो गया, और अगर एक क्वाड्रेंट पूरा हो गया तो इसका मतलब यहां से
ओमेगा टी पाई बाय सिक्स, यहाँ से टाइम निकाल लेना है, ऐसा पहली बार इतने टाइम पे होगा। पॉइंट क्लियर है? हमने एक क्वाड्रेंट पूरा करवाना है, एक क्वाड्रेंट का मतलब फेज को कितना चेंज करवा देना है बाय पाई बाय। ठीक है यहाँ तक?